तुम भी लूटो हम भी लूटें, भारत के लोकतंत्र का अब हो गया है ये बुरा हाल। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर, भारत का लोकतंत्र का राजा पहले बैलेट बॉक्स से निकलता था और गरीब निकलता था, लेकिन गरीब निकलने के कारण पूंजीपतियों ने देखा कि इसे ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए एक बड़ी साजिश के माध्यम से ईवीएम मशीन लाया गया। मशीन में लाकर अब वही निकलता है जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, और उसी को देखते हुए अब गांव का प्रधान भी बड़ा व्यक्ति ही बनता है, क्योंकि जो लुटाता है वही पाता है, और पाने के बाद गांव को लूटता है, घर को लूटता है, और अब तो देश को लूटा जा रहा है, क्षेत्र को लूटा जा रहा है। उसके बाद हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। जनता क्या सोच रही है इसे जानने के लिए जावेद बिन अली ने गांव के लोगों से कुछ वार्ता की है। आप भी आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि इस वक्त क्षेत्र में हर जगह उत्तर प्रदेश में चुनाव घोषणा हो गया है आपका पंचायत का, देखा जा रहा है कि हर जगह दारू शराब पी रहा है, क्या सही बात है कि गलत बात है? मेरा नाम सुखराम सिंह यादव है, तहसील मोहम्मदाबाद, ग्राम सुरतापुर, थाना मोहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर का रहने वाला हूँ। ये बात सही है कि दारू चल रहा है, मुर्गा दारू, भौरी चोखा, सब कुछ चल रहा है, सारे लोग खर्चा कर रहे हैं। जनता कहती है कि ये लोग बार बार मिलने वाले लोग नहीं हैं, दारू और भौरी बर्तन के हमको खा लेने दीजिए, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और सारे अधिकारी की ये ढिलवाई से ये सब व्यवस्था चल रही है, इसमें न मंत्री का जांच होती है, न तो विधायक की जांच होती है, न तो किसी अन्य कर्मचारियों की जांच होती है, इसलिए लूट मचा है। किसान के पहुंचता नहीं है कोई सामग्री, सरकार की जो भी आता है किसान के पास पहुंचता नहीं है। यहाँ कर्मचारियों के यही स्थिति है, रोजगार सेवक से लेकर सेक्रेटरी से लेकर वीडियो तक ये सब शरीक हैं, प्रधान से लेकर विधवा तक पेंशन ले लिया, विधवा का पेंशन तक पैसा ले लिया जाता है। सरकार कहती कि हम विधवा को पेंशन दे रहे हैं, विकलांगों को पेंशन दे रहे हैं, बाकी ये रोजगार जो सेवक गांव में रखा गया है सरकार द्वारा, वो जो है कि खुदे लोग 1,000-5,000 आया तो मान ली कि 1,000 रुपया उतरवा कर 1,000 रुपया देकर और 4,000 रुपया लोग ले लेते हैं। ये सारी चोरमदारी मचा है सरकार, न पता हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या करेंगे। जनता भुखमरी कगार पर पहुंची है, हालत एकदम दुर्बिन चल रहा है क्षेत्र में, चाहे गांव सभा हो, चाहे प्रधानी हो, चाहे जिला हो, चाहे कहीं भी हो, ये सब लूट मचा है। प्रधानी चुनाव का आरंभ हो गया है और जगह जगह में मुर्गा और दारू चल रहा है, इस संबंध में आपका क्या कहना, परिचय देते हुए बताइए अपना। देखिए जनाब, मेरा नाम कुंदन कुमार यादव है और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और प्राइवेट स्कूलों में अपनी सेवाएं भी देता हूँ। ये जो भी इस समय प्रधानी का चुनाव चल रहा है और मुर्गे और दारू की जो भी पार्टियाँ हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है, जिसको मैं एक अपने दोहे के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से समझाऊंगा, और आजकल की जनता तो खुद समझदार है, फिर इसकी मैं व्याख्या भी कर दूंगा कि तुम लूटो हम कुछ ना बोलें, तुम लूटो हम कुछ ना बोलें, और हम लूटें तो तुम कुछ ना बोलो। अर्थात अभी तुम खा रहे हो, पी रहे हो, मेरा खर्चा हो रहा है प्रत्याशियों लोग का, तो वो कुछ नहीं बोल रहा है। उसी पर वो कहता है कि जिस समय हम प्रधान बन जाएंगे, हम लूटें तो मेरी अपेक्षा रहेगी कि तुम भी कुछ ना बोलो। इसीलिए एक ही वाक्य में है कि तुम लूटो हम कुछ ना बोलें, और हम लूटें तो तुम कुछ ना बोलो।